हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टॉप टेस्ट के प्लेन नूडल्स। तो इसके लिए पहले आप नूडल्स को गर्मा लें, जो कि मैंने पहले ही गर्मा लिया है। और इसके लिए आपको चाहिए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, इनको मैंने पहले से काट के रख लिया है। और गैस को आप पहले गर्म कर लें, थोड़ा तेल गर्म कर लेंगे। तो तेल जबकि मैंने पहले गर्म कर लिया है, अब डायरेक्ट हम पहले शिमला मिर्च डालेंगे। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, आपको घर में जब चाहें आप सिर्फ प्याज टमाटर काट के भी बना सकते हैं। तो पहले आप शिमला मिर्च और प्याज डाल दीजिए और इसे भूनने दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और उसके बाद टमाटर, फ्रेंड्स तो मैंने टमाटर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ये थोड़ा ही सा डालिए, आपके चाउमीन के मात्रा पे होता है, जितना आप चाउमीन हो उसके हिसाब से थोड़ा सोया सॉस। फिर इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हमारे पास है ये चिंग्स का नूडल्स मसाला, हम इसे डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डालें, ये एक तरीके का टेस्ट मेकर का काम करता है। आप अपना गरम मसाला या फिर कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपके टेस्ट के ऊपर है। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सोया सॉस के बाद मेरा कलर आ गया है इसमें प्याज टमाटर में। अब जो चाउमीन हमने उबाली थी उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करते टाइम फ्लेम आप थोड़ा धीमा कर लें, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अच्छे से ये उबली हुई चाउमीन को मिला लिया इसमें। तो ये हमारा चाउमीन अब रेडी हो गई है। तो इसे आप आराम से एक बाउल में निकाल के आराम से आप सर्व कर सकते हैं।